हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ दीपाली शाह एंड यू आर वाचिंग दीपाली मैम साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। तो ये प्लांट्स जो है, ये हम जैसे अपने आसपास में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं हम, जिसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ही हाइट जिसकी बहुत छोटी है, किसी की हाइट बड़ी होती है, किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है ना। किसी का स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है, किसी का स्टेम बहुत ही टाइट होता है, जिसको वुड स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो इस ये अलग अलग टाइप के होने के कारण ही इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आप जैसे मान लो कि जैसे ग्रास देखो, ग्रास क्या एक बहुत छोटा सा आपको जैसे फील्ड में आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे ग्रासेस मिलते हैं देखने को। उसके कंपैरिजन में आप देखो कि जैसे एक नीम ट्री हो गया या मान लो एक मैंगो ट्री हो गया, वो कितने बड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखेंगे, जिसमें इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, ग्रीन होते हैं और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा और बहुत ही डेलिकेट होगा, राइट। और इसका जो सीज़न है, मतलब कि जो ग्रोइंग सीज़न होता है, 1 or 2 सीज़न होता है। ये बहुत लंबे, मतलब कि ये नहीं कि एक बार ग्रो करा दिया तो बहुत सालों तक चल गया, ऐसा नहीं होता है। ये 1 or 2 सीजन्स तक, 2 सीजन्स तक ही ग्रो करते हैं, मतलब कि इसका लाइफ स्पेन जो होता है 1 or 2 सीज़न होता है, ओके। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कोरिएंडर ले लो आप, मिंट ले लो, ठीक है, रोजमेरी हो गया। तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, हर्ब्स के। देखो, प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड डेलिकेट स्टेम। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा, ओके। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रब्स जैसे मान लो आप सभी ने मैरीगोल्ड का प्लांट देखा होगा, फिर आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, है ना। तो ये रोज़ प्लांट या जो मैरीगोल्ड का प्लांट है, उसमें आपने क्या देखा है कि वो एक छोटा सा ही प्लांट होता है, मतलब बहुत छोटा नहीं होता, वो मीडियम साइज़ में है। और वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से वो झाड़ीदार बनी हुई होती है, वो उसको क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, ठीक है ना। जो पूरी तरह से जिसमें झाड़ियाँ बनी होती है, तो उसको जिस कारण से इसको झाड़ीदार या इसको हम श्रब्स कहते हैं, ठीक है। और इसका स्टेम जो होता है वो हर्ब्स के कंपैरिजन में हार्ड होता है, ठीक है ना। इसके जैसे हर्ब्स में क्या देखा आपने कि जो उसका स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बट श्रब्स में ऐसा नहीं होता है। आपके घर में भी जैसे रोज़ प्लांट है या मैरीगोल्ड का प्लांट है, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि उसका स्टेम जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, श्रब्स में हम लोग क्या लिखेंगे, बिगर एंड मीडियम साइज, बिगर एंड मीडियम साइज्ड प्लांट, ओके, प्लांट विद वुडी स्टेम, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत इसमें झाड़ियाँ होती है, मतलब पूरी तरह ये फैले होते हैं। तो फैला होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सटिवली ब्रांचेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जिस कारण से ये श्रब्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे आर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, तुलसी, रोज, मैरी गोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, श्रब्स में आएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है कि वैसे प्लांट जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, सपोर्ट उसके से लिए नेसेसरी होता है, तभी जाके वो ऊपर की ओर ग्रो कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट,
ठीक है, जैसे मनी प्लांट आपके घर में प्लांट है तो आपने नोटिस करा होगा, जैसे यहाँ पे अगर पॉट में एक मनी प्लांट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक साथ में एक सपोर्ट दिया जाता है उसको, है ना। उसको सपोर्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो उसको सपोर्ट चाहिए आगे ग्रो करने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब करने का मतलब क्या होता है, चढ़ना, है ना। तो क्लाइंबर्स को कौन से होते हैं, जिसको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, एक उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट। तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंबर्स। फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मनी प्लांट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये क्या होता है, क्लाइंबर्स। जैसे आपने अभी हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में पढ़ा, तो उससे ये क्लाइंबर्स जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और इसी में आपका क्रीपर्स भी आ जाता है। देखो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, जो क्या एक बेल टाइप से होती है, ठीक है। क्लाइंबर्स को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बट जो क्रीपर्स होते हैं, जो रेंगने वाले, जो क्रीपर का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है। तो जिसमें जो वेजिटेबल्स है वो बड़े बड़े होते हैं, तो उसको क्लाइंब करने से वो क्या होगा कि वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से क्या होते हैं कि वो ज़मीन पे ही मतलब कि ग्रो करते हैं। तो वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आ सकता है जैसे बॉटल गार्ड हो गया, पंपकिन हो गया, ये वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये अगर मान लो उसको सपोर्ट दिया जाएगा तो उसको भी, उसके लिए भी क्या चाहिए, अगर मान लो वो उससे ग्रो करेगा, उसको सपोर्ट नहीं होगा तो वह कैसे होगा। इसीलिए क्या होता है कि वो ज़मीन पे क्या होता है कि वो आगे की ओर फैलता जाता है, और वहीं पे वो फ्रूट्स जो होते हैं या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनको सपोर्ट की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका स्टेम जो होता है बहुत ही वीक होता है। ये वीक स्टेम होने के कारण ही क्या चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, है ना। अगर वीक स्टेम नहीं होता हर्ब्स और श्रब्स की तरह, अगर मान लो ये स्ट्रांग होते तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दे हैव weak stem, weak stem and cannot stand upright. ठीक है, तो ये क्लाइंबर्स के एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मनी प्लांट, और क्रीपर्स के एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, बॉटल गार्ड, पंपकिन। ये सारे एग्जांपल्स जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, ट्री। ट्री जो है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, या मैंगो ट्री के साथ आप और दूसरे भी प्लांट्स को देख सकते हैं, जैसे गुआवा ट्री हो गया, ये नीम ट्री हो गया, ये जो क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जामुन का ट्री हो गया। तो ये ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका स्टेम जो होता है वो वुडी होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये इनकी जड़ें भी नीचे बहुत दूर दूर तक जाती है ज़मीन के नीचे, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ये ट्रीज़ कहलाते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसमें मैंगो ट्री, कुछ भी ट्री का नाम लिख लो आप, मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया। तो ये सारे जो है ये ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर लाइफ साइकिल। सबका लाइफ साइकिल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, हर एक प्लांट का लाइफ साइकिल जो होगा वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसका डिफरेंट किस बेस पे किया गया है, कि उनका लाइफ साइकिल क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो एक या दो सीज़न में ग्रो करते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों तक मतलब कि उसमें फ्रूट्स आते रहते हैं। जैसे मैंगो ट्री देख लो, वो एक बार अगर लग जाता है तो उसमें फ्रूट्स आते हैं, ठीक है।
तो वो फ्रूट्स आने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर उसमें फिर फ्रूट आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि हमने एक बार प्लांट लगाया फिर उसमें फ्रूट्स आ गए तो फिर से उसको उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है इसमें कि हम उसको देखते हैं कि हर एक सीजन में उसमें एक ही मैंगो ट्री में वो फ्रूट्स जो है वो बेयर कर रहा है, ठीक है। बट जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वन सीजन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टू सीजन्स के लिए होते हैं, तो इस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम देखेंगे एनुअल। एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक, मतलब कि एक साल पूरा, ठीक है, एनुअल प्लांट्स। सेकंड है आपका जो सेकंड हो जाएगा आपका बीएनियल प्लांट्स। इसके बाद आपका आएगा पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल मीन्स क्या है? जिसका लाइफ साइकिल वन सीजन के लिए है। लाइफ साइकिल क्या होगा? वन सीजन के लिए, ठीक है। जिसका लाइफ साइकिल वन सीजन के लिए हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में आप मस्टर्ड ले सकते हो, वीट ले सकते हो, पैडी। ये एक बार जो प्लांट्स ग्रो करता है तो एक ही बार इसमें से फ्रूट्स जो है, इसमें से जो ग्रेन्स होते हैं वो एक ही बार बेयर करते हैं, तो ये एनुअल प्लांट्स होते हैं। बीएनियल क्या होता है कि जो वन और टू सीजन्स जो होते हैं वो उसमें से फ्रूट्स जो है वो बेयर करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक या दो सीजन के लिए वो काम चल जाता है, तो वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो बीएनियल प्लांट्स होते हैं। बीएनियल वन, इसमें टू सीजन्स, वन सीजन तो एनुअल आ जाएगा, इसमें टू सीजन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पे कैरट, रेडिश, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो होंगे आपके बीनियल में आ जाएंगे। पेरिनियल में क्या हो जाएगा? मोर सीजन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंगो ले लो आप, इसमें मैंगो ट्री का है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, गुआभा भी ले सकते हो आप, कोकोनट हो गया। तो ये जो, ये नहीं है कि इसमें एक ही साल के लिए ये बेयर कर रहा है फ्रूट्स को, ये सालों सालों तक इसमें फ्रूट्स जो है वो बेयर करते रहते हैं। तो इस टाइप से ये इनको क्लासिफाई किया गया है उनके लाइफ साइकिल के बेस पे, ओके। अब देखो, हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या है? किसी भी आप प्लांट्स को देखते हो तो प्लांट में क्या नोटिस किया, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे चलो पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एक प्लांट ड्रॉ करती हूँ पहले। ये जैसे मैंने आपको एक प्लांट ड्रॉ करके दिया, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि कुछ हिस्सा जो होता है वो सॉइल के नीचे होता है, मीन्स कि बिलो द सॉइल, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सॉइल के ऊपर होता है। तो जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है, अबव द सॉइल पार्ट जो है, अबव द सॉइल, ये पार्ट जो है इसको कहा जाता है सूट सिस्टम, ओके, सूट सिस्टम। और जो बिलो द सॉइल है, मीन्स कि सॉइल के नीचे वाला पार्ट जो होता है, जिसको का क्या कहा जाता है? रूट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे रूट का पूरा पार्ट जो होता है वो सॉइल के नीचे होता है, ठीक है। और जो शूट सिस्टम है, इसमें क्या होता है? पूरा स्टेम जो है, जहाँ से, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिर फ्लावर्स आ गए, बर्ड आ गए, इसमें सारे पार्ट्स जो होंगे वो कौन सा पार्ट में आएगा? शूट सिस्टम में आएगा, ठीक
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी। आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।